समीक्षा वाला फिलोसॉफिकल सेज की एक खास पेशकश है। इस पेशकश में हम फिलॉसफी, साहित्य और मनोविज्ञान एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर लिखी पुस्तकों की समीक्षा करेंगे। तो आज हम जिस पुस्तक की समीक्षा करने जा रहे हैं उसका नाम रूमी, जीवन, विचार एवं कविताएं हैं। इस पुस्तक को लिखा है जलालुद्दीन रूमी ने एवं इसका संपादन और अनु सूफी रहस्यवादी कवि जलालुद्दीन रूमी का जन्म 30 सितंबर 1207 में फारस देश के सुप्रसिद्ध नगर बल्ख में हुआ था, जिसे अब अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। रूमी के पिता शेख बहाउद्दीन एक मौलवी और इस्लाम धर्म के उपदेशक थे। सन 1218 में फारस के तत्कालीन राजा के साथ विवाद होने और मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए रूमी के पिता ने परिवार सहित बल्ख छोड़ दिया था। बल्ख छोड़ने के बाद वह टर्की के नगर अनाटोलिया पहुंचे। हालांकि इसके बाद रूमी और उनका पूरा परिवार हमेशा के लिए कोनिया चला गया। विश्व प्रसिद्ध और 21वीं सदी में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं पढ़े जाने वाले पारसी कवि जलालुद्दीन रूमी की कविताएं एवं विचार मनुष्यों के जीवन में ऊर्जा का संचार करने का प्रयास करती है। हालांकि रूमी को सर्वाधिक लोकप्रियता मसनवी की रचना से मिली है। मसनवी रूमी द्वारा रचित 6 खंडों की एक श्रृंखला है जिसमें कुल 25,000 दोहे हैं। मसनवी को विश्व साहित्य में सर्वाधिक रहस्यवादी कविताओं की पुस्तक के रूप में जाना जाता है, जो यह बताता है कि प्रेम के द्वारा ईश्वर तक कैसे पहुंचा जाए। रूमी की कविताएं, विचार और सूक्तियाँ प्रेम में अंतर्निहित सभी रूपों को उजागर करती हैं। रूमी की कविताओं एवं विचारों का विश्लेषण किया जाए तो यह कहा जा सकता है कि रूमी प्रेम के आलोक में उभरने वाले सभी भावों को खूब महत्ता प्रदान करते थे। अस्तु रूमी ने प्रेम के विरह और बेचैनी में भी उस उजास को उल्लेखित किया है जिसे मानव भय से भूलने की चेष्टा करता है और फिर दर बदर भटकता रहता है। इसी प्रसंग को लेकर रूमी लिखते हैं कि पीड़ाएं संदेश हैं, उन्हें सुनो। रूमी प्रेम की एक रूपता को लेकर जिस तरह से कविताएं लिखते हैं उनमें दार्शनिक भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। अमूमन हम प्रेम को एक सीमित खांचे में ढालने की कोशिश करते हैं। ऐसा मैं भी कर सकता हूँ और अधिकांश लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज इसी तरह से बनता बिगड़ता आ रहा है। समाज में प्रेम की घिसी पिटी अवधारणाएं और प्रसंग व्यापक स्तर पर व्याप्त हैं। ऐसे में भावनात्मक रूप से संज्ञानात्मक तौर पर सोच विचार कर पाना इतना मुश्किल है कि प्रेम को लेकर एक भिन्न दृष्टिकोण से देखने, सोचने और भावनात्मक रूप से महसूस करने वाले व्यक्ति विरले ही दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य में कबीर एवं अमीर खुसरो और फिर पर्शियन साहित्य में रूमी के प्रेम को लेकर जो विचार हैं वो हृदय को उद्वेलित ही नहीं करते बल्कि आत्मसात के स्तर पर एक दृष्टि देने की कोशिश करते हैं। वर्तमान समय में रूमी की प्रासंगिकता को लेकर बात की जाए तो विश्व में अमेरिका एक ऐसा देश है जहाँ के नागरिक रूमी को लेकर इतने पागल हैं कि कई अमेरिकी कलाकारों ने रूमी को रेखांकित करते हुए उनकी कविताओं, विचारों को जोड़ते हुए नूतन कला को जन्म दिया है, उनकी आधारशिला रखी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रूमी के विचार समग्रता को रेखांकित करते हुए प्रेम की उपासना करते हैं, जिस प्रेम में उत्कर्ष भी है, पतन भी है, पुरातन भी है और नूतन भी है, खुशी भी है और दुख भी है, मिलन भी है और बिछुड़न भी है, शीतलता भी है और बेचैनी भी है, भीड़ भी है और एकांत भी है। इस पुस्तक रूमी, जीवन, विचार एवं कविताएं में रूमी के जीवन रेखा का संक्षिप्त परिचय महत्वपूर्ण घटनाक्रमों के अनुरूप देने की कोशिश की गई है। इन घटनाक्रमों में मुख्य रूप से रूमी के विस्थापन, शम्स से मुलाकात और बिछुड़न को शामिल किया गया है। इस पुस्तक में रूमी की उन चुनिंदा कविताओं को शामिल किया गया है जो मनुष्य के सभी भावों को, कारकों को रेखांकित करती है और एक भिन्न काव्यात्मक दार्शनिक
विचार प्रकट करती है।